साल 1998 में बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश हुई थी। इस साल रिलीज हुई लगभग सभी फिल्मों ने खूब पैसे कमाए थे। इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख काजोल के अलावा अमिताभ बच्चन, गोविंदा, बॉबी देओल, सलमान खान समेत कई और हीरो ने भी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तो चलिए आज साल 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं। साल 1998 बॉलीवुड के लिए काफी शानदार साबित हुआ था। इस साल बॉक्स ऑफिस पर लगभग सभी सितारों का सिक्का चला था और सबकी फिल्मों ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। नंबर एक, शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महज 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी। फिल्म का कुल कलेक्शन 106 करोड़ रुपए रहा है। नंबर दो, प्यार तो होना ही था। रियल लाइफ कपल अजय देवगन और काजोल की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बजट से 5 गुना ज्यादा पैसे कमाकर मेकर्स को मालामाल कर दिया था। 7.50 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने 38 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। नंबर तीन, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म सोल्जर काफी चर्चित फिल्म थी। प्रीति जिंटा ने इसी साल फिल्म दिल से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद वह सोल्जर में नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल का कलेक्शन दर्ज किया ही था, साथ ही इस फिल्म में प्रीति और बॉबी के अभिनय को भी काफी सराहा गया था। नंबर चार, सलमान खान और काजोल की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसे छापे थे। कुछ कुछ होता है के बाद पहली बार ये कपल साथ नजर आया था। बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली इस फिल्म का बजट सिर्फ 7.75 करोड़ रुपए था। नंबर पाँच, गोविंदा और अमिताभ बच्चन की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था। ये फिल्म साल 1998 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।